ऐड तो फंड हम बैंक बैंक हाँ इधर ऐड फंड्स बैंक रहेगा आपको अमाउंट ऐड करने के लिए। ओके बैंक अकाउंट बैंक से भी तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना। हाँ ऑनलाइन बैंकिंग है तो आप डायरेक्ट में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यूपीएस नेट इधर क्या है ना, हाँ इधर ऑप्शन है इक्विटी जाने का, एलोकेशन फंड ऐड फंड्स में जाने का, ठीक है इधर ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक 220 रुपीज एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, ठीक है इधर आपको नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग कीजिए, नहीं तो वन टाइम मैंडेट है तो वन टाइम मैंडेट कीजिए, नहीं तो यूपीए आप यूपीए सेलेक्ट किए तो आपको इधर ऑलरेडी रजिस्टर रहेगा ना यूपीए, इधर है देखिए करेक्ट 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 समझ गए। हाँ, इसको प्रोसीड किया तो कोई रिक्वेस्ट जाएगा, वो फोन पे गूगल पे किसको भी रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है ना, उधर आप एक्सेप्ट किया तो पे किया तो डायरेक्टली इधर अकाउंट का आएगा। ओके ओके समझ गए, ये तो इजी है। ओके वो अमाउंट आपको इधर दिखेगा आईसीआईसी बैंक फ्री बैलेंस, ठीक है ये तो इधर नीचे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट फ्री बैलेंस कितना है। ओके ओके ना सर, ये अमाउंट ऐड करने का, बाद में अमाउंट ऐड करने के बाद आपको ट्रेड करना है आईसीआईसी डायरेक्ट में, आपको इक्विटी में ट्रेड करना है तो इक्विटी पर क्लिक करना चाहिए, बाद में प्लेस ऑर्डर, ठीक है इधर आपको इतना ऑप्शन है। अभी मैं ओनली कैश बाई का आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक एनएससी है एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टॉक बाई करना चाहते हो लाइक टाटा मोटर्स, टाटा ओनली थ्री लेटर आप टाइप किए तो टाटा का कितना स्टॉक है इधर आएगा, सही ना, टाटा स्टील है टाटा केमिकल्स है, कितना है देखो टाटा का कितना स्टॉक है इतना आपको मिलेगा, आपको क्या चाहिए टाटा मोटर्स को बाई करना चाहिए, ये इधर आ गया। आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करना चाहिए एनएससी और बीएससी, अभी तो सब लोग एनएससी में करते कुछ लोग बीएससी में करते हैं। अभी देखिए एनएससी का टाटा का मोटर का प्राइस कितना है 490 का सेम प्राइस है, आपको इसको चार्ट देखना है कितने कितना कितना गया ऊपर गया नीचे गया सब देखना पड़ेगा ना। यस इधर आप चार्ट देखिए, एक महीने का चार्ट लेता हूँ मैं, इधर नीचे रहेगा एक दिन का, फाइव डेज का, वन मंथ का, थ्री मंथ का, सिक्स मंथ वाईटीडी, वन ईयर, फाइव ईयर, ऑल, ठीक है ना, ऐसे रहेगा एक मंथ। हाँ कितना गया अभी देखिए 350 था अराउंड, कितना था, हाँ 350 समथिंग था, अभी कितना हो गया 490 हो गया विद इन वन मंथ में। 490 वो टाटा वाले इसको एयर इंडिया को परचेस किया ना, करेक्ट टाटा एयर इंडिया को परचेस किया, इसलिए टाटा ई भी लॉन्च कर रहा है। हाँ, इसलिए वो उतना ग्रो हो गया, टोटल 5 इयर्स का लीजिए कितना, मार्च में 2020 में मार्च में कितना आया था 100 रुपीस आया था, 100 से भी कम था। हाँ, कम था, ठीक है ना, उधर आप 1,00,000 डाले तो मिनिमम 5,00,000 हो जाता था विद इन 1.5 ईयर में, करेक्ट यस सही है ना। मार्केट का सीधा हिसाब है, रेड में बाई करो ग्रीन में सेल करो, यस रेड में कौन रहता है उसको बाई करो, ग्रीन कौन रहता है उसको सेल करो, करेक्ट यस। ये तो चार्ट हो गया सर, कितना कितना साल का क्या है, ठीक है बाद में इधर आपको बाई करना रहता है, इधर क्वांटिटी डालने का, फॉर एग्जांपल आपको 20 क्वांटिटी चाहिए, ओके इधर क्या ना एक लिमिट प्राइस रहेगा एक मार्केट प्राइस रहेगा, लिमिट बोले तो फॉर एग्जांपल 490 है, अब आपको वो 485 आने के बाद हमको बाई करने का है, लेस आया तो बाई करने का, नहीं तो 491 आया तो बाई करने का, लिमिट आप डिसाइड करना चाहिए शेयर इतना आया तो मैं बाई करूंगा नहीं तो नहीं। मार्केट बोले तो आपका क्या रहेगा करंट मार्केट से बाय का, हाँ ट्रेड कर रहा होगा करंट सिचुएशन में वो आपको वो मिलेगा, ओके सही है ना, इधर आप बाय किया ऐसा आएगा जो क्या ये, हाँ इधर क्या आईसीसी डायरेक्ट के ना वो अलर्ट करते हैं, ओके हाँ दिस इज हाइलाइट्स दैट टाटा मोटर्स has reported in kya has losses in 3 consecutive years, okay ha usko profit nahi ho raha hai 3 years se, in case kya to stock ke bare mein kya hota hai to ICICI direct aapko update karega,
गुड है तो गुड बोलेगा, बैड है तो बैड बोलेगा, उसका टाटा का मोटर स्टडी करते है, ऐसा आपको मैसेज रहेगा, ठीक है? ओके, वुड यू लाइक टू बाय दिस ऑर्डर, यस बोले, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बाद में आप सेट किए तो कितना चाहिए अमाउंट, एस्टिमेटेड डील वैल्यू 11,781 रुपीस, 781 इन केस में प्रोसेस करते, इन केस आपके पास कैश ऑन, ये कैश ऑन डिलीवरी की आपने इसको डिलीवरेबल में ऐड नहीं किया, मतलब इसको इंट्राडे वो सिलेक्ट नहीं किया ना, इसका इंट्राडे करना है, लॉन्ग टर्म में नहीं किया मैं, आप एक दिन में रखते हो, नहीं तो लॉन्ग टर्म भी आप रख सकते हो इसका शेयर, नहीं वहाँ, नहीं वहाँ का वो हमने सिलेक्ट नहीं, वहाँ का वो ऑप्शन था ना, वो मोर में था क्या? हाँ वो मोर में, इधर इधर डे का, आईओसी का, बीटीसी का, ये रहता है। ओ आईओसी मतलब इमीडिएटली ए होता है। ओके हाँ, डे का, डे में ए हो तो डे में परचेस हो जाएगा। और डे मतलब ये डिलीवरी हो गया काइंड ऑफ, तो हम लोग इसको स्टॉक को रख सकते हैं अपने पास, लॉन्ग टर्म के हम लोग, ये मत कुछ आपको तो लॉन्ग टर्म का ट्राई कर रहे हैं ना, इधर आप डे, मैं लॉन्ग टर्म ही ट्राई कर रहा हूं, हां हां देखो लॉन्ग टर्म का ट्राई किया, वो ऑटोमेटिकली का डे रहता है, उधर मत टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट टाटा इधर पहले क्या ना एक्सचेंज सेलेक्ट करने का, टाटा मोटर्स, इधर टाटा मोटर्स आ गया, कितना अमाउंट आएगा, 20 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, मार्केट सेलेक्ट करने का, बाई करने का, इन केस आपके पास अमाउंट है तो, नहीं तो ऐसा अमाउंट पूछेगा। ओके हाँ, इधर ऐड करना चाहिए सेकेंडरी में, इसमें तो अमाउंट नहीं है ना, इधर अमाउंट ऐड किया तो सबमिट किया तो बाई हो जाएगा, नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा। ओके ओके हाँ, ये स्टॉक बाई करने का नॉर्मल स्टॉक। ओके बाद में आपको कुछ भी नहीं पता कौन सा स्टॉक लेने का है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और कौन सा फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा, आपको तो स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलता, सही ना? यस करेक्ट सर, सही बोल रहा हूँ। हाँ अब क्या करने का, हाँ दो तीन ऑप्शन रहेगा, मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन बताऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है ना, इधर इक्विटी में जाकर रिसर्च का एक ऑप्शन है, ओके ठीक है ना, इधर देखिए रिसर्च का एक ऑप्शन है, इधर आपको वो स्टॉक क्या ना सजेस्ट करता है, इधर रिसर्च में जाने का क्लिक टू इन्वेस्ट, A22 का रेकमेंड है आज का, इसका टारगेट कितना है 234, अभी आज का स्टॉक वैल्यू कितना है 200 रुपीज है, इसका कितना मंथ तक वो दिया है टारगेट, 3 मंथ में वो 234 जाएगा। ओके three months में, सही है ना, आपको minimum 70% return आएगा। ओके ओके ना, ये stop loss रहता है, for example आपने trade किया, आपको ना stop loss को रखना चाहिए, in case 290 के नीचे आए तो sell होना चाहिए। Oh, got it, वहाँ stop loss का option कहाँ था एक बार सर दिखाइए, इधर ही देखिए equity में, अक्टूबर को दिए थे, ठीक है, वो बाइक कितने के बाइक करना चाहिए तो 251 को, अभी कितना है 260 है, ऑलमोस्ट 9 रुपीस इंक्रीज हो गया, करेक्ट सर, हाँ स्टॉप लॉस उनका, आपका टारगेट कितना है 290, ऐसा वो रेकमेंड करते हैं आपको रिसर्च में। ओके सर, आप एवरीडे इधर रिसर्च में जाकर चेक करना चाहिए, ठीक है सर, और ये छोड़कर आपको और एक ऑप्शन है, इधर क्या ना इक्विटी में जाने का प्लस मार्क क्लिक करने का, इधर वन क्लिक इक्विटी है, ओके इधर देखिए आईसीसी डायरेक्ट वाले आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो रेडी करके देते हैं। ओके ओके, ये सर एसआईपी वाले पोर्टफोलियो है ना, ये एसआईपी भी करना चाहिए या आप लमसम भी कीजिए, नो प्रॉब्लम, अभी इधर देखिए बेस्ट 100 इसका रिटर्न कितना आया है 119% 0.26, इसको आप क्लिक किया तो आपका स्टॉक का लिस्ट आएगा, कौन सा स्टॉक है, अशोक लेलैंड लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, फेडरल बैंक लिमिटेड है, गुजरात प्राइवेट पोर्ट लिमिटेड है,
JSW एनर्जी लिमिटेड है, ओके ना, कितना स्टॉक्स है, इसका मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए आपको लमसम करने के लिए, प्रेजेंट 2064 रुपीस चाहिए, ओके, इसका टोटल कितना शेयर आएगा, इतना शेयर क्वांटिटी आएगा आपको सभी शेयर का, ओके ओके सही है ना सर, इसको इसका इसका अपन SIP बना सकते हैं। हाँ, इधर देखिए सेट सी, आपको कितना मंथ के लिए क्या करना चाहिए, आप सिप भी बना सकते हैं। ओके ओके इतना स्टॉक्स रहेगा। ओके इधर वन क्लिक कीजिए, सेक्टर वाइज उन्होंने दिया है, एंडिंग से ही आपको दिखाता हूँ कितना कितना है इसका। 19% रिटर्न है गोल्डन लार्ज कैप फंड में, गोल्डन मिड कैप फंड में 23% है, ओके, बेस्ट बोथ वर्ल्ड्स 48% है। आप जस्ट इधर जाने का कौन सा आपको अच्छा लगेगा, ये 54% है पोटेंशियल मल्टी बेगर्स, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको, 14,000 चाहिए, ओके, आपको अच्छा रहे ना 44%, इट्स गुड ईयरली 40% अच्छा है ना, आप बैंक में FD किया तो आपको कितना मिलेगा, 5-6% मिलेगा, वो टैक्सेबल, इनकेस आप 30% ट्रैवल है तो आपको 30% टैक्स ही जाएगा, करेक्ट करेक्ट यस सही ना। इधर और इसमें 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 पैसा, इसमें पैसा निकालते वक्त भी टैक्स लगेगा, राइट, आप बोल रहे थे, जब हम विड्रॉ करते हैं पैसा प्रॉफिट के ऊपर मोस्टली 10% रहेगा प्रॉफिट के ऊपर, ओके ओके हो गया ना सर आपको इजी अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट करेक्ट, इक्विटी जाने का ये कंपेयर टू, तो ये कंपेयर टू उसके तो मतलब कि जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, मतलब जो अभी मैंने यूज किया था, क्या बोलते हैं अपस्टॉक्स, उससे तो बहुत इजी है ये अपस्टॉक्स। हाँ। में तो मतलब कुछ रिकमेंडेशन नहीं करता, ये तो बहुत रिकमेंडेशन करता है, उसके बारे में पता नहीं सर, मैं ज्यादा यूज नहीं करता इसमें, ये है ओके ना, अभी आप इंस्टॉल किया ना वो कैसा वर्क करता है ना वैसा ही है, ICICI डायरेक्ट मार्केट सेम सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओके सर। इसमें 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 जैसे कि जैसे मेरे को बेस्ट इक्विटी सिप के लिए बेस्ट कौन सा होगा बताइए ना, SIP स्टार्ट करना है मुझे, वही मैं बोला ना सर, इधर जाइए इक्विटी में जाइए, वन प्लस क्लिक कीजिए, वन क्लिक इक्विटी क्लिक कीजिए, ठीक है ना, इधर देखिए हाईएस्ट रिटर्न कौन सा दे रहा है, इधर इधर 29% है, 21% है, इधर देखिए 26% है, अभी टॉप 100 में कौन सा था, इधर देखिए ये कितना आ रहा है, 119% का है, बेस्ट बेस्ट टॉप 100 में, अच्छा है ना, इतना स्टॉक्स मिलेगा आपको, करेक्ट करेक्ट, लॉन्ग टर्म के लिए इसको 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 लमसम बाय करना, मतलब ये एक टाइम वन टाइम में बाय हो जाएगा, हां 2064 रुपए 67 रुपए चाहिए वन टाइम बाय करने के लिए, ओके वन टाइम में बाय, और सिप करने में सिप आप कितना भी कीजिए मिनिमम 5000 समथिंग, ओके है ना, एवरीडे स्टॉक्स वेरिएबल होते हैं, करेक्ट करेक्ट सही ना, एवरीडे, हाँ, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या डालना पड़ेगा, मंथली और पीरियड डालना पड़ेगा, मतलब टिल व्हेन वी वांट टू, हां कितने साल, 11 मंथ 12 मंथ 1 ईयर अप टू, आपको 10 इयर्स तक रहेगा, ओके मैक्स अप टू 10 इयर्स, ओके सही ना, हाँ ये भी सही है एक्चुअली, ये यही सही है एक्चुअली, मैं क्या एक पोर्टफोलियो लेके छोड़ दिया और उसको फिर ज्यादा फिर मतलब हां मतलब कोई जैसे आप बाद में ना क्या सर आपसे बात हुआ, ये अभी दो शेयर अभी तो आप इस पर परचेस कर दिया ऑलरेडी आपका 6 स्टॉक्स लिस्टेड है, बाद में आपको 1,000-2,000 रुपीस आएगा, आपको क्या ना एडिशनल बाय कीजिए इक्विटी में, ये प्लेस ऑर्डर डिले आपको क्या चाहिए, अशोक लेवलैंड ऑलरेडी आपके पास स्टॉक्स है, ठीक है ना, इधर अशोक टाइप कीजिए, इधर आएगा कंपनी आगे ना, आपको कितना शेयर चाहिए, अभी कितना है 139 रुपीस है, अभी कुछ नहीं बेच रहे, हां नहीं मैंने मुझे बस इसका बस आप बताइएगा इसमें सर कोई जैसे अभी यूज जैसे फॉर एग्जांपल सर क्योंकि हम बिगिनर हैं आई एम अ बिगिनर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन जैसे हम लोग इसमें अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे इसका कुछ एडिशनल चार्जेस वार्जेस तो नहीं कटेगा ना सर नहीं सर आपका क्या ना ब्रोकरेज क्या रहेगा उसके ऊपर ही रहेगा ज्यादा नहीं कटेगा ठीक है ना अभी देखिए मेरे को ओनली ऑप्शन के लिए 20 रुपीस कट हो रहे हैं
ओके इसके लिए 0.5 रुपीस कट हो रहे हैं, वही रहेगा, एडिशनल चार्जेस नहीं होगा। वो स्टॉक आपका अकाउंट होने के बाद मेरे को कॉल कीजिए, मैं लिंक को भेजूंगा, उसमें आप मैच आईडी और सब डालिए, आपको ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ब्रोकरेज भी रिड्यूस हो जाएगा, आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। इधर सब ऑप्शन रहेगा सर। वो ओके सर, वो कब अभी एक्टिवेट कैसे होगा पता चलेगा? मैसेज आएगा क्या सर? नहीं, मैसेज आएगा ओनली 2 मिनट्स, वो बंदा बाहर है। ओके ओके, वो विद इन हाफ एन आवर में अकाउंट ओपन होगा, विद इन हाफ एन आवर, ज्यादा नहीं रहेगा, ओनली वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। सर आपके हिसाब से लाइक एज अ फ्रेंड, लाइक आप प्रवीण के फ्रेंड है मेरे भी, तो लाइक आप क्या सजेस्ट करेंगे, लाइक एज अ बिगिनर क्या मेरे को SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? वही सर, मैं उधर है ना सर, वो पोर्टफोलियो है ना, नहीं आप है तो ओनली मेरा दूसरे कस्टमर है, तो मेरे को सेफ्टी चाहिए ना, मेरे को कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, सही ना सर? सही बोल रहे हैं आप, फ्रेंड हो, मदर हो, ब्रदर हो, कस्टमर हो, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर चाहिए, सही ना? आपको मैं कस्टमर सर्विस अच्छा दिया तो मेरे को भी ज्यादा अकाउंट्स मिलेगा, आप दूसरे को रेफर करते हो। करेक्ट करेक्ट, सर्विस नहीं दिया तो आप क्यों मेरे पास आते, बाद में किधर तो दूसरे ऐप मिलते हैं उधर ये करते हो, ठीक है ना? करेक्ट सर, बात तो सही, आप सही बोल रहे। लेकिन नहीं ऐसा, अभी अभी आप क्या, जैसे मेरा एक्टिवेट होने के बाद आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे, लाइक हाउ टू गो, लाइक जैसे आपने बताया वो रिकमेंडेड स्टॉक में SIP इन्वेस्ट करूं कि कैसे करें? नहीं नहीं, वो कहना सर स्टार्टिंग में वो लमसम इन्वेस्ट कीजिए, बेस्ट 100 का वो अच्छा है। मैं लास्ट 3 मंथ बैक में उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। ओके ओके हां ओके, SIP नहीं बना उसका भी लमसम इन्वेस्ट कर देता हूं। हां लमसम इन्वेस्ट कीजिए, 58,000 का अभी अराउंड 82,000 हुआ है। ओके ओके, विद इन 3 मंथ में अराउंड 34% रिटर्न आया उनका, ठीक है ना? मम्मी को लाने लेने जाना है, मैं रखता हूं बाद में। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना? आपको बहुत देर रहेगा, टेंशन इसका टेंशन वगैरह कुछ नहीं होगा, आप आराम से आप कर सकते हो। श्योर भाई, कुछ इशू होगा तो आपको मैं बताऊंगा, आप एनी टाइम कॉल कीजिए ना। श्योर सर, थैंक यू। आप एनी टाइम, मैं एक्चुअली अभी सर सर एक्टिवेट होता है तो मैं आपको कॉल करता हूं सर। हां मेरे को SMS आएगा वो एक्टिवेट होने के लिए, कोई मेरा आपको कोई तो फ्रेंड्स वगैरह है तो मेरे को रेफर कीजिए, मैं उनको भी हेल्प करूंगा अकाउंट ओपनिंग करने के लिए और ट्रेडिंग। मेरा एक मेरा 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 एक फ्रेंड है एक्चुअली, क्या है ना कि वो मेरा बहुत, जैसे प्रवीण भाई मेरे लाइक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बहुत सालों से साथ में मतलब काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो मेरा एक और दोस्त है जो कि मेरे साथ था इसकी कंपनी में भी, वो भी बैंगलोर का है, प्रॉपर बैंगलोर का रहने वाला है, तो एक्चुअली उसको भी इंटरेस्टेड है इसमें, मतलब उसको भी इंटरेस्ट है अच्छा, और उसको भी काम करने का है, तो एक्चुअली मैं क्या है ना, मैं उसको आपका नंबर दे दूंगा या तो डायरेक्ट आपसे बात करवा दूंगा, ठीक है? तो वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी क्योंकि उसको भी थोड़ा बहुत या टैक्स सेविंग या थोड़ा फ्यूचर चाहिए, तो उसका इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है? मेरा नंबर तो है ना सर, 810 है ना, सर वो व्हाट्सएप नंबर ही ना? हाँ सेम व्हाट्सएप नंबर, पैन इंडिया में कहा भी रहने दो कस्टमर, उनको मैं गाइड करता हूँ ऑनलाइन में, नहीं तो हमारा ICICI टीम में ऑलमोस्ट 10-15 ईयर से ICICI डायरेक्ट में काम कर रहे हैं, मैं उनसे आपको सेमिनार का कंडक्ट करूंगा। एनी श्योर सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मेरा 2-3 फ्रेंड तो एटलीस्ट आपको मिलेगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, एटलीस्ट 2-3 मेरे फ्रेंड जो कि इंटरेस्टेड हैं इसमें एक्चुअली, लाइक बोल का पैसा खुद का पैसा कमा के नहीं, सभी को डर लगता है। वो कुछ लोग क्या है ना, स्टार्टिंग में आते हैं कुछ का फिनिशल करते हैं 2,000-3,000 नहीं तो 10,000 के आना वैसे ही जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कब बाय करने का कब सेल करने का, वो उनको लॉस हुआ ना वो आते नहीं फिर स्टॉक में एंट्री नहीं होते, क्योंकि हम लोग तो मतलब कुछ नहीं आता, आप समझ लीजिए, मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज का, इसलिए मैंने आपको बोला टाइम देना सर। एक प्रॉब्लम ये कि ना हम लोग का उस टाइम पे ऑफिस रहता है, जिस टाइम पे मार्केट ओपन होता है जैसे 9 o'clock पे हम ऑफिस का काम करते रहते हैं, फिर जब 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है हमारी शिफ्ट 4:30-4:30 बज जाता है, शिफ्ट खत्म, तो हम लोग मार्केट देख ही नहीं पाते कि लाइक कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, तो सर हमको उसका आइडिया ही नहीं। करेंगे सर, मैं आपको एक हाफ एन आवर में अपडेट करता हूँ अकाउंट होने के बाद, ठीक है ना?
श्योर 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 ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू